हेलो हाय एवरीवन, स्टॉक टिप वन में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही बेहतरीन शेयर्स के बारे में, और आईटी सेक्टर में कहीं ना कहीं ये बहुत रॉकिंग शेयर भी बोल सकते हैं, मतलब सिस्टमैटिक ग्रोथ होते हुए दिखती है और वो अच्छी बात है इस शेयर्स के लिए। तो चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करिए, बात करने वाले विप्रो शेयर्स के बारे में। और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन माय बेल आइकन। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए तो याद से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि लगातार वीडियो अपलोड होते रहती है। यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी 50 में किस तरीके का फ्लो और फ्लक्चुएशन बना हुआ था मार्केट में। आज के दिन देख सकते हैं निफ्टी 50 ऑलमोस्ट किस तरीके से फ्लो बनाई थी। मतलब सबसे पहले तो ये ऊपर की साइड जाते हुए दिखी है, वो कहीं ना कहीं एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करी थी कि बहुत ही अच्छी खासी ऊपर है। पर यहाँ पे देख सकते हैं 9:30 में उतनी ऊपर जाते हुए दिखी है, और उसके बाद डायरेक्टली डाउन ट्रेंड फॉलो करने लगी। ये सबसे बड़ी बात है कि डाउन ट्रेंड फॉलो करने लगी, इसीलिए मैं बोलता हूँ 9:30 मतलब वो 15 मिनट के बेसिस पे आप तो अपना चार्ट कभी भी एनालाइज मत कीजिएगा। वो 15 मिनट के लिए वो चार्ट बहुत सही है, अगर आप एनालाइज करते हो उस टाइम तो वो 15 मिनट के लिए बहुत सही है, पर उसके पहले आप उस चार्ट को देख के डिसीजन मत ले लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 9:30 तक ऊपर जाते हुए दिखे और फिर उसके बाद लगातार नीचे, मतलब अच्छी खासी गिरावट, और कितनी ज्यादा 10:35 तक गिरावट ही होते दिखी है, मतलब ऑलमोस्ट एक घंटा तक में गिरावट होते हुए दिखी है, और फिर उसके बाद तेजी बनते हुए दिखी मार्केट में, थोड़ी थोड़ी तेजी, और फिर लास्ट में फिर से यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। इनफैक्ट 16,000 तक आ गई थी, और यहाँ पे एक 16,000 बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट क्रिएट करते हुए दिखा है। मतलब 16,000 को ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल था यहाँ पे, पर यहाँ पे देख सकते हैं कि 16,000 कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रेक होते हुए दिखी थी, 8 पॉइंट डाउन आते हुए दिखी थी 16,000 से, पर कोई डरने की बात नहीं है, ये फिर से अपना फ्लो अच्छा मेंटेन कर ली। और यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट में तेजी बनाई मार्केट में, रिकवरी अच्छी खासी थी, और 16,000 कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है, उस पॉइंट पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और मार्केट में अभी जैसे फ्लो चल रहा है, जैसे अभी हम लोग विप्रो शेयर्स के बारे में बात करते हैं, तो आज के दिन कितनी ही ज्यादा गिरावट है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट में भी, इस मार्केट में भी देख सकते हैं ऊपर से पहले डाउन ट्रेंड को फॉलो किया गया और फिर उसके बाद ऊपर के साइड में फॉलो हुई है, ऑलमोस्ट 475 की तेजी बनाई। इनफैक्ट और सारी शेयर आईटी सेक्टर की बात करें तो आईटी सेक्टर में तो बहुत ही अच्छी खासी फ्लो मार्केट में बनी रही थी, पर आगे की बात करें तो किस तरीके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आईटी सेक्टर में कैसे फ्लो बनी हुई थी। इनफैक्ट सारे सेक्टर में ये दिक्कत है, यूरोपियन मार्केट में इन्फ्लेशन है, इनफैक्ट अगर बात करें यूएस मार्केट में बहुत ज्यादा ही इन्फ्लेशन है, तो ये सब को लेकर मार्केट में बहुत ही गंदा फ्लो बना हुआ है मार्केट के लिए। यहाँ पे अगर निफ्टी 50 पे ध्यान तो दे चुके हैं, अगर हम लोग विप्रो में होल्डिंग्स बनते हुए देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वांटिटी ट्रेडेड की बात करें तो मतलब आजकल लोग इंट्राडे को भी लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है इसमें, और इनफैक्ट डिलीवरी को भी लेकर बहुत ज्यादा ही सीरियस है, डिलीवरी बेसिस पे भी अच्छा खासा उठाया जा रहा है। यहाँ पे अगर क्वांटिटी बेसिस पे देखें तो मतलब यहाँ पे क्वांटिटी ट्रेडेड की बात करें तो अप्रॉक्स आप लोग देख सकते हैं कितनी ही ज्यादा क्वांटिटी ट्रेड होती हुई दिखी है। यहाँ पे 1,05,14,671 ओके तो यहाँ पे आपको 1,05,14,671 क्वांटिटी ट्रेडेड होते हुए दिखी है, डिलीवरी में जाते हुए दिखी है 59,43,810 क्वांटिटी, ऑलमोस्ट 56.83 क्वांटिटी का डिलीवरी जाते हुए दिखा, और लगातार इसी तरीके से 50% से ऊपर की डिलीवरी जाते हुए दिख रही है, और शेयर्स कहीं ना कहीं फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रांग है, और आप आराम से बहुत ही बेहतरीन तेजी बनाते हुए दिखेगी मार्केट में। मतलब आप यू कांट इवन इमेजिन कितनी ही अच्छा फ्लक्चुएशन दे सकती है मार्केट में ये शेयर्स। अब थोड़ा सा अच्छे से बात करते हैं, इसके फंडामेंटल के बारे में जानते हैं और नेक्स्ट टारगेट के बारे में भी जानते हैं, पर विप्रो को लेकर कुछ न्यूज आ रही है कि नहीं इसके बारे में बात करते हैं। तो विप्रो को लेकर उतनी कोई बड़ी न्यूज नहीं आ रही है, डील सबके बारे में नहीं आ रहा है। विप्रो रीन्यूज आईटी ट्रांसफॉर्मेशन डील विद फ्रेंड्स बेस्ड, तो यही सब विप्रो की डील की न्यूज आ रही है, जो कहीं ना कहीं एक जगह पे अच्छी बात है विप्रो के लिए। पर ये सारी कंपनी में जैसे कोई भी बड़ी डील आती है तो हाँ फ्लक्चुएशन तो आता है, वो पॉजिटिव होते हुए दिखता है, ये सब अच्छी बात है डील के लिए, मतलब डील सब आती है तब अच्छी बात होती है, पर उसको लेके उतना पैनिक में, मतलब उसको लेके उतना जल्दी आपको मतलब एक अच्छी तेजी, ये सब लॉन्ग टर्म बेस में बहुत ही अच्छी कंपनी रहेगी। यहाँ पे देख सकते हैं 1 मंथ से लेकर 1 ईयर तक बहुत ही ज्यादा गिरावट रह चुकी है मार्केट में, पर पैनिक होने की बात नहीं है, आप लोग को तेजी तो देखने को मिलेगी ही शेयर में। इनफैक्ट ये शेयर 550 तक आराम से टच करते हुए दिख सकती है आपको मार्केट में। और बाइंग और होल्डिंग्स की बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बाय का बहुत ही ज्यादा चांसेस बनाया हुआ है कि आराम से आप लोग बाय कर सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं मार्केट में, और एक अच्छा प्रॉफिट गेन भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर बात करें क्वार्टरली रिजल्ट सब की, तो क्वार्टरली रिजल्ट भी बहुत ही अच्छी खासी रही है, यहाँ पे देख सकते हैं 2.71% तेजी बनते हुए दिखी है। इनफैक्ट अगर बात करें मार्च 2021 की, तो मार्च 2020 और जून 2021 की बात करें तो उसके बाद से बहुत ही ज़्यादा तेजी देखने को मिली है, पर यहाँ पे उतनी तेजी नहीं देखने को मिली है, पर 2.75% का ग्रोथ है, तो अच्छी खासी ग्रोथ है। यहाँ पे देख सकते हैं 21,363 रुपीज़ पे, ये सारी फिगर करोड़ में है, तो मैं बस आप लोगों को बता
रहा हूँ, और यहाँ पे देख सकते हैं 20,700, तो कहीं ना कहीं तेजी बनते हुए दिखी है, 2.75% की तेजी में यहाँ पे बनते हुए दिखी है। टोटल एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस में भी तेजी है, मतलब पुराने एक्सपेंस से तो कम तेजी है, पर यहाँ पे तेजी बनते हुए दिखी एक्सपेंस में, जो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत वाली बात आ जाती है। ईबीआईटी ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं गिरावट है। तो ये ईबीआईटी का मतलब क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और यहाँ पे वही चीज़ अगर हम लोग पैट के रिगार्डिंग बात करें तो पैट में कितना ग्रोथ बनते हुए दिखा है, तो पैट की ग्रोथ, पैट मतलब क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ पे तेजी बनते हुए दिखी है, और मार्केट में 3.98 की अभी तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पे ईबीआईटी मार्जिन की बात करें तो 18.28 और सबके मामले में, मतलब यहाँ पे अगर हम लोग पुराने मार्च के टाइम को देखें तो मार्च सबके टाइम से कम होते हुए दिखी है, पर ये भी ठीक बात है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं, यहाँ पे भी अच्छी खासी बनते हैं। ईपीएस की बात करें, मेनली ईपीएस की बात करना है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हर टाइम से तेजी बनाई है, पर जून 2021 से कम तेजी है यहाँ पे 5.64, पर हाँ पुराने अगर प्रीवियस मार्केट से देखें तो उसमें से तेजी बनी हुई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जस्ट हम लोग वन मंथ पे आ जाते हैं, तो मैं आप लोग को फिर से बता देता हूँ कितना का टारगेट दिए हैं हम लोग, याद होगा आपको ऑलमोस्ट। तो हम लोग का जो टारगेट अभी मार्केट में लगा है इसका, वो 5,500 का टारगेट है, और यहाँ पे ये जल्दी ही आपको तेजी बनाते हुए दिखेगी। जस्ट वन मंथ पे आ जाते हैं और देख सकते हैं कि अभी तक डाउन आ रही है, और यहाँ पे सिक्स मंथ पे जस्ट एक बार फोकस करते हैं तो यहाँ पे अभी डाउन के साइड ट्रेंड लाइन बनाई हुई है। आपको ज्यादा से ज्यादा ये 450 तक डाउन में एक स्ट्रांग सपोर्ट बनाती है, आपको उससे ज्यादा डाउन आना बहुत ही मुश्किल है इस शेयर्स के लिए भी, और बहुत ही कम चांस है कि आपको उतनी ही डाउन जाते हुए दिखेगी, तो इसके लिए आपको पैनिक नहीं होना है मार्केट को लेके। यहाँ पे अगर बात करें और सबसे कि तो मतलब और सबसे शेयर से कितना ही अच्छा परफॉर्मेंस बनाते हुए दिखिए, तो इस पॉइंट पे देख सकते हैं सारी शेयर गिरावट दिए, चाहे विप्रो की बात करें, टीसीएस की बात करें, इन्फोसिस की बात करें, एससीएल की बात करें। इनफैक्ट कल भी मैंने वीडियो अपलोड की थी, तो यहाँ पे देख सकते हैं टीसीएस की वीडियो अपलोड की है, एसबीआई कार्ड की, आईटीसी की वीडियो, इनफैक्ट लगातार वीडियो अपलोड करते रहता हूं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग को लगातार इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। यहाँ पे वन वीक में देखे तो वन वीक में किस तरीके से फ्लो बनाई है, यहाँ पे एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखी है, पर विप्रो की परफॉर्मेंस और सबके हिसाब से कम है, यहाँ पे एससीएल की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी खासी है, तो विप्रो की परफॉर्मेंस लेवल कम है, पर यहाँ पे तेजी तो आपको बनते हुए दिखेगी, उसमें पैनिक होने का कोई जरा सा भी बात ही नहीं है, अच्छी खासी तेजी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रमोटर होल्डिंग्स कम होते हुए दिखी है, मार्केट में 73 थी और इससे पहले 73.01 थी और इससे पहले 73.02 थी, तो कहीं ना कहीं प्रमोटर होल्डिंग्स कम होते हुए दिखी है, पर अदर फंड में बात करें तो उसमें तेजी है, डायरेक्ट फंड्स की भी बात करें तो उसमें भी तेजी, और अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं कमी होते हुए दिखी है मार्केट में। पर इसको लेके तो पैनिक होना नहीं है, क्योंकि ये शेयर सब बहुत ही अच्छा बेहतरीन आगे में वर्क करते हुए दिखेगी, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप ही लोग के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। यहाँ पे जस्ट मैं आ जाता हूँ टारगेट और इंट्राडे की बात करता हूँ, तो सबसे पहले आप लोगों को ट्रेंड लाइन समझना बहुत जरूरी है, जैसे अभी मैंने आप लोगों को निफ्टी 50 में बताया था, वो 15 मिनट के गैप को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो अगर आप उस गैप को समझ जाते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा और बहुत ही अच्छे से आप ट्रेड कर पाएंगे मार्केट में। तो उस पार्ट को हम साइड रखते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि अगर ये कल के इंट्राडे की टारगेट क्या रख सकते हैं, तो कल की इंट्राडे की टारगेट आप लोग आराम से 7, मतलब अगर कल मार्केट अगर अच्छा खुलता है तो ऑफ कोर्स आपको 485 तक ये शेयर टच करते हुए आराम से दिख सकते हैं, 485 की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये बात कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा, 485 कहीं ना कहीं टच करते हुए आपको ये शेयर दिख सकती है, अच्छी फ्लो बना देगी मार्केट में। पर हाँ, अगर आपको टारगेट तो 3 पॉइंट इसके डाउन, तो मतलब आपको 472 की स्टॉप लॉस बना के रखना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले ट्रेंड लाइन पे फोकस कीजिएगा, ट्रेंड लाइन किस तरीके से, कभी भी 9:30 के बीच में ट्रेड मत कीजिएगा, प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर इंट्राडे का प्लान कर रहे हैं तो, और अगर ऑप्शन का प्लान करते हो ऑप्शन आप ले सकते हैं, इट्स गुड चॉइस टू बाय राइट नाउ। और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन माय बेल आइकन, क्योंकि मेरी सबसे पहली अपडेट आपके पास आनी चाहिए, और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए भी आप पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग को फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाके अपना फ्री डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, वो भी अप स्टॉक्स में, जिसमें नामात के बराबर ब्रोकरेज चार्ज लगती है। और अगर कुछ भी आपको इसके ऑप्शन सबके रिगार्डिंग में डाउट है तो कमेंट करके बता दीजिए, आप लोगों को कुछ भी अलग से भी डाउट है, कोई कंपनी के बारे में वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे।
और प्लीज़ ये भी बताइएगा, फीडबैक भी दीजिएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। और यहाँ पे आप लोग का टारगेट है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग होल्डिंग्स बना रहे हैं तो यहाँ पे मतलब ज़्यादा मंथ 5,500 तक की टारगेट आप लोग ले सकते, 550 की टारगेट ले सकते हैं। और अगर इंट्राडे की तो मैं बता दिया हूँ 485 पॉइंट्स का फ्लक्चुएशन आपको होते हुए दिखेगा। और स्टॉप लॉस की बात करें तो 473 की स्टॉप लॉस रख सकते हैं आप दोनों, आप इंटरनेट में तो दोनों तरीके से ट्रेड कर सकते हैं एज यू विश। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए फॉर माय लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।